ये कहानी है एक प्यासे कौवे और उसकी समझदारी की। ये मौसम थी गर्मियों की और इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि पुराने पेड़ पौधों के कटने और नए पेड़ पौधों के ना लगाने से नदी तालाब सब सूख चुके थे। इतने में वहाँ पहुँचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण कौवे का हाल बहुत बेहाल था। उसने सोचा, हाँ थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होता। उड़ते उड़ते कौवे ने नदी तालाब सब तलाश कर लिया, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। घंटों मेहनत करने के बाद भी कौवे को पानी का एक बूंद नहीं मिला था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खोज जारी रखी। इतने में उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान ये कुआं है, वाह मुझे कुआं नजर आया। जब उसने कुएं में झांका तो कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। कौवा निराश हो गया और उसने कहा, हे भगवान ये क्या, कुआं तो सूखा है। ये कहते हुए कौवा वहां से उड़ गया। फिर कौवे की नजर घर के पास रखे एक मटके पर पड़ी। जब कौवे ने मटके में देखा तो वो बहुत निराश हुआ और कहा, भगवान पानी तो दिया लेकिन इतना कम है कि मेरी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। कौवा बहुत निराश हुआ। फिर उसकी नजर पास के कंकड़ों पर पड़ी और उसको एक बहुत अच्छा विचार आया। कौवे ने पास रखे कंकड़ों को एक एक करके मटके में डालना शुरू किया। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। फिर कौवे ने पानी को पीकर अपना प्यास बुझाया। कौवा बहुत खुश हुआ। शुक्रिया शुक्रिया, ये कहते हुए कौवा वहां से उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और समझदारी से काम लेंगे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी।